तो 23 अगस्त की शाम 6:04 पर जो हुआ उस पर पूरी दुनिया को अचरज हो रहा है और हिंदुस्तान के लिए ये गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए क्योंकि अपने आप में ये रिकॉर्ड है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत इकलौता देश बन गया है और चांद की सतह को छूने वाला चांद पर जाने वाला भारत चौथा देश बन गया है और ऐसे में इस बात का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसे सभी भारतीयों ने अपनी आंखों में कैद किया। वो टेलीविजन स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए बैठे रहे और इस लम्हे का उन्होंने दीदार किया जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। तो जब आप नया भारत कहते हैं तो तस्वीरें ये आपके सामने आती है कि भारत दुनिया का इकलौता देश बन चुका है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। वाकई ये नए भारत की ही तस्वीर है, विकसित भारत के शंखनाद की ये तस्वीर है जो एक एक करके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेस एक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में जुटे हुए हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत। अविश्वसनीय। अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना
ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका, ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया, लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है।